नमस्कार दोस्तों, MakiRasoiSo.com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल तड़का दाल। अक्सर करके हम इंडियन कुजीन में तो दाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और अक्सर घरों में चावल दाल रोटी दाल ये सब बनाई और खाई ही जाती है, पर रेस्टोरेंट की या ढाबा की जो दाल होती है काफ़ी चटपटी सी होती है। तो चलिए हम लोग आज यही दाल बनाते हैं अपने घर पर और देखते हैं इसकी रेसिपी। तो दोस्तों, ढाबा स्टाइल तड़का दाल बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 1/2 कप तुअर दाल यानी अरहर की दाल, 2 टेबलस्पून चने की दाल, तड़के के लिए देसी घी या फिर हम तेल यूज़ करेंगे, 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, ये 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, दोनों को सूखा ही तवे पे भून के इसको कूट लिया है, धनिया है बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून, ये कुछ चाट मसाला है करीब 1/4 टीस्पून, और ये है तड़के की सामग्री। करी पत्ता ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम यहाँ 4-5 करी पत्ते डालेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, कुछ लहसुन है, इसे लंबाई में काट लिया है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अरहर की दाल के लिए जीरा तो मस्त है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टीस्पून जीरा फ्राई करने के लिए, और 1/4 टीस्पून के करीब 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ओवरपावरिंग ना हो जाए ज़्यादा, मतलब एकदम सब्जी की तरह लगने लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, बस हल्का सा हल्की सी महक आनी चाहिए, और 2-3 हरी मिर्चें जैसा आपको तीखापन पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों दालों को धोकर नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लेंगे। तो दाल पहले हम उबलने के लिए रख लेते हैं, इसे हम उबालेंगे तेज़ आंच पर 1 सीटी और उसके बाद आंच धीमी करके लगभग 5 से 7 मिनट पकाएंगे। गैस ऑन कर लेते हैं, पानी डालें, हल्दी, नमक, तो इसे पकने देते हैं। दाल हमारी अब पक चुकी है तो हम गैस बंद कर दे रहे हैं 1 सीटी तेज़ आंच पर और 7-8 मिनट धीमी आंच पर हम इसे पकाए हैं। तो इसे हम और जब तक ये ठंडा होगा तब तक इसको फ्राई करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तेल या घी डालें पैन में, अब हम इसमें ये जीरा डाल लेंगे, ये लहसुन डालेंगे अभी और थोड़ा सा ऊपर से बघार डालते समय यूज़ करेंगे, थोड़ा लाल हो जाएगा फिर हम ये प्याज डाल देंगे, ये प्याज गुलाबी हो गई है तो अब हम टमाटर डाल लेते हैं और साथ में इसमें हम थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा तड़के में डालेंगे, थोड़ा सा अभी डाल लेते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, गरम मसाला, ये सब कुछ डाल के और थोड़ी सी हरी धनिया, इसे थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि टमाटर जो है अच्छा सा स्मूथ सा गल जाए। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, ये हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा ये धनिए और जीरे का पाउडर जो भून के और दरदरा कूटे थे। दोस्तों, ये दाल में बहुत अच्छा स्वाद देता है, आप इसे छोले में भी अगर ऊपर से डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दाल चेक कर लेते हैं, अगर आपको बिल्कुल मिली हुई दाल पसंद है एकदम स्मूथ
तो आप इसे घोंट सकते हैं। हम इसे ऐसे ही रखने जा रहे हैं। तो अब इसे हम गैस बंद कर दिया हमने ताकि ज़्यादा उड़े ना, तो तुरंत ही इसमें डाल के ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बाद इसे हम खोलेंगे। ढक्कन लगाने से जो इसकी सुगंध है वो इसी में बनी रहेगी। दोस्तों इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए गाढ़ी सी अच्छी सी दाल तैयार हुई है हमारी। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये छोटी सी बाल्टी हमने रखी हुई है यहाँ पे। इसमें निकालने के बाद ऊपर से हम तड़का डालेंगे। अब तड़का डाल है तो तड़का तो डालना ही पड़ेगा। पैन हम गर्म कर लेते हैं, उसमें डालें 1 चम्मच के करीब घी, लहसुन ज़रा सा लाल हो जाएगा फिर हम करी पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लहसुन लाल हो गया है हमारा, अब हम इसमें ये करी पत्ता डाल देते हैं, सूखी लाल मिर्च, हींग चुटकी भर, और बाकी ये जो सूखे मसाले हैं उसको डालने से पहले हम गैस बंद कर देंगे ताकि जल ना जाए। तो ये धनिया जीरे के पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला इसको चटपटा बनाने के लिए। सब कुछ मिक्स करके इसे हम डाल देते हैं दाल के ऊपर। थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश कर लेते हैं। ये हमारी ढाबा स्टाइल या ढाबा से भी बेहतर आपको लगेगी जब आप इसे घर में बनाएंगे। दाल जो है तड़का दाल तैयार है। तो दोस्तों ढाबा तड़का दाल तैयार है, तो आप ट्राई करिएगा ये रेसिपी और हमें बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माँ की रसोई से .com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।